अरे भाई कॉटन ही चेंज करवा रहे हैं, शैम्पू वगैरह भी निकाल रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम मेरे परदेसी भाइयों, जैसा कि आपको पता होगा लगेज को लेकर बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। जैसा कि पहले दमाम एयरपोर्ट पे पाबंदी लगाया गया था, आप कार्टून नहीं ले जा सकते, अगर कार्टून ले जाते हैं तो कुछ कैटेगरी रखा गया है उस साइज का लेकर जाना पड़ेगा। तो अब रियाद एयरपोर्ट पर भी ये पाबंदी लगा दिया गया है। तो आज के वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ आप कितना साइज का बैग ले जा सकते हैं, कितना साइज का आप कार्टून ले जा सकते हैं और कितना साइज का आप सूटकेस ले जा सकते हैं। इंच बाई इंच बताने वाला हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन है कि भाई किस कंपनी का कार्टून ले जाना है या कार्टून ले जाना है तो क्या एयरपोर्ट से ही लेना जरूरी है। तो मेरे भाइयों कार्टून ले जा सकते हैं लेकिन एयरपोर्ट से लेना भी जरूरी नहीं है। तो आज की वीडियो में क्लियर करके बताऊंगा कितना इंच का आप कार्टून ले जा सकते हैं, उससे ज़्यादा होता है तो आपको वहां पे ओपन कराया जाएगा और फिर से नया कार्टून वहां पे दिया जाएगा और 15 रियाल कार्टून का लेता है और 35 रियाल पैकिंग का लेता है। तो आप वहां पे एक कार्टून के पीछे 50 रियाल खर्चा करना पड़ेगा, आपको ये लग जाएगा। तो बहुत बड़ी परेशानी है, काफ़ी लोग बार बार पूछ रहे हैं, इंस्टाग्राम पर मेरे मैसेज कर रहे हैं बार बार। और जो लोग भी अपने साथ में दो हैंडबैग लेकर जाना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी बहुत बड़ी परेशानी है। तो आप किस तरह से दो हैंडबैग ले जा सकते हैं तो आज के वीडियो में पूरा क्लियर करने वाला हूँ, क्योंकि आज तक कोई भी क्लियर तौर पे नहीं बताया है। तो आज के वीडियो में इंच बाय इंच बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हमेशा के लिए ऑल पर क्लिक करके आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जान सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि काफ़ी लोगों को एयरपोर्ट पर परेशानी आ रही है, काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो रहा है, सामान पैकिंग किया हुआ ओपन कराया जा रहा है, तो ये बहुत बड़ी परेशानी है। तो सबसे पहले यहाँ पे बताना चाहूँगा, जो लोग भी कार्टून में सामान ले जाना चाहते हैं तो यहाँ पे दमाम एयरपोर्ट या रियाद एयरपोर्ट या सऊदी अरब के किसी भी एयरपोर्ट से अगर जाएंगे तो, या दुबई से जाएंगे या इंडिया से जाएंगे या कहीं से भी जाते हैं, तो पूरा यहाँ पे कंडीशन बता देता हूँ कितना बड़ा आपको साइज लेना है। तो यहाँ पे कार्टून का साइज बताया गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं चौड़ाई 76 सेंटीमीटर, यानी इंच के हिसाब से अगर आप जोड़ेंगे तो 30 इंच चौड़ा, यानी इतना चौड़ा कार्टून लेकर जा सकते हैं, यानी चौड़ाई में लंबाई होना चाहिए। उसके बाद इसका हाइट यहाँ पे दिखाया गया है 31 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, यानी 31 सेंटीमीटर वही हुआ 12 इंच के करीब होता है, 12 इंच से थोड़ा ज़्यादा होता है, तो 12 इंच आपका कार्टून का हाइट होना चाहिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद जो छोटा सा चौड़ाई होता है एक साइड का कार्टून का, तो यहाँ पर दिया गया है 51 सेंटीमीटर, यानी 20 इंच चौड़ा और एक ज़्यादा चौड़ा होता है 30 इंच, उसके बाद 12 इंच इतना लंबा चौड़ा कार्टून आपको पैक करना है। ज़्यादा हाइट वाला कार्टून पैक करेंगे तो फिर वहाँ पे परेशानी आती है, आपको ओपन करा दिया जाएगा। उसके बाद अगर आप सूटकेस लेकर जाना चाहते हैं तो सूटकेस के लिए भी सेम कानून है, लेकिन सूटकेस को यहाँ पे हाइट बताया गया है, हाइट 76 सेंटीमीटर होना चाहिए। जैसा कि सूटकेस को खड़ा करके रखते हैं तो 76 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी 30 इंच लंबा होना चाहिए खड़ाई। उसके बाद 31 सेंटीमीटर जो चौड़ाई होता है नीचे का वो होना चाहिए, उसके बाद 51 सेंटीमीटर फिर एक चौड़ाई होता है ज़्यादा वाला वो होना चाहिए, यानी सूटकेस का भी कानून सेम है, 12 इंची 20 इंची और 30 इंची इसी हिसाब से आपको पैक करना होगा, इतना ही बड़ा लेना है। अगर आप 30 इंच खड़ाई से ज़्यादा सूटकेस लेते हैं 40 इंच वाला 35 इंच वाला तो वहाँ पे परेशानी आ सकती है, क्योंकि एयरपोर्ट में ये मसला आ रहा है, सामान रखने में उतारने में प्रॉब्लम आ रही है, तो इसकी वजह से ये कानून लगाया गया है। तो मेहरबानी करके अगर आप जाना चाहते हैं तो कार्टून का साइज परफेक्ट ले जाए, अपने रूम से खरीदे या मार्केट से खरीदे या कहीं से आप लेते हैं तो साइज परफेक्ट लेना है, उससे ज़्यादा साइज नहीं करना है। इससे पहले मैं वीडियो बनाया था, काफ़ी लोग सवाल कर रहे हैं कि भाई आपने क्लियर तौर पे नहीं बताया है, इंच बाय इंच नहीं बताया है, तो मैं आज के वीडियो में दिखा दिया हूँ इंच बाय इंच करके। उसके बाद कोई ऐसा वीडियो नहीं बनाया होगा, मैं बना दिया हूँ। उसके बाद अगर आप बैग लेकर जाना चाहते हैं तो बैग के लिए कोई भी कैटेगरी नहीं रखा गया है, यानी आप छोटा सा बैग पैक कर सकते हैं। अगर हैंड बैग लेकर जाना चाहते हैं तो हैंड बैग में 7 किलो अलाउ होता है अगर आप हैंड बैग लेते हैं, और 30 किलो अगर आपके टिकट पर सामान है, 30 किलो 32 किलो एयर इंडिया में अगर आपके पास 32 किलो सामान है तो एक ही बैग आपको पैक करना होगा, दूसरा बैग नहीं ले जा सकते हैं। और गल्फ एयरलाइंस में आप जाते हैं तो फिर वहाँ पे कार्टून अलाउ नहीं होता है, तो आप फौरन अपने एयरलाइन से ऑफिस से बात कर ले, चेक कर ले कि यहाँ पे क्या चीज़ अलाउ है क्या चीज़ अलाउ नहीं है। और किसी भी जानकारी के लिए आप इस नंबर पे फ़ोन करके बात कर सकते हैं। उसके बाद जो लोग भी हैंड बैग लेकर जाना चाहते हैं, अपने साथ में लैपटॉप लेकर जाना चाहते हैं, तो आप हैंड बैग के तौर पे 7 किलो सामान लेकर जाते हैं तो अपने हैंड बैग में आप 7 किलो सामान लेकर जा सकते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप
अलग से एक बैग ले सकते हैं छोटा सा, उसका वजन नहीं किया जाएगा। जो लोग भी कैमरा लेकर जाते हैं उसका भी वजन नहीं किया जाता है, लेकिन हैंड बैग छोटा होना चाहिए। अगर हर एयरलाइंस का अलग अलग कानून होता है, लेकिन मैं आज जो तरीका बताया हूँ इसी तरीके से आपको सामान पैक करना है ताकि आपके साथ कोई भी परेशानी न हो। जैसा कि आप एयर इंडिया का यहाँ पर देख सकते हैं, उसके बाद सऊदी का जो सिस्टम था पहले कुछ इस तरह का था, बाद में कुछ इस तरह का कर दिया गया है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।